और मोदी सरकार एशिया पर हुक्मरानी का ख्वाब पूरा करने के लिए असलहे की दौड़ में अंधी हो गई है। भारत ने दिफाई अखराजात में रूस को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया में असलहे की दौड़ पर नजर रखने वाले इदारे स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में मजमूई तौर पर 2019 के दौरान दिफाई अखराजात पर 1.9 खरब डॉलर्स की रकम खर्च की गई, जो 2018 के मुकाबले में 3.6% ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने गुज़िश्ता साल दिफा की मदद में सबसे ज्यादा 732 अरब डॉलर खर्च किए, जो दुनिया के मजमूई दिफाई अखराजात का 38% बनता है। इसके बाद चीन ने एक साल में फौजी अखराजात की मद में 261 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं। भारत ने दिफा की मद में 71 अरब डॉलर्स की रकम खर्च की, जिसके बाद वो दिफाई अखराजात के हवाले से तीसरे नंबर पर आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ये रकम पाकिस्तान और चीन के खतरात का मुकाबला करने के लिए खर्च कर रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दो दिफाई ममालिक दिफा पर रकम खर्च करने के मामले में टॉप 3 ममालिक में शामिल हुए हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने अपने दिफा पर 10.3 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं। दिफा के शोबे पर खर्चे के मामले में रूस चौथे नंबर पर रहा, जिसने 65.1 अरब डॉलर्स इस मद में खर्च किए हैं। सऊदी अरब दिफा पर खर्च करने वाला पांचवा बड़ा मुल्क बन चुका है, जिसके दिफाई अखराजात 61.9 अरब डॉलर्स हैं।